एंड वेलकम टू डॉक्टर्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए तोरी या तुरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ वेजिटेबल व्हिच इज कॉल्ड स्पॉन्ज गॉर्ड और रिच गॉर्ड। ये खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा रिच होते हैं फाइबर्स में और कैलोरीज में बहुत कम होते हैं, जिससे ये वेट लॉस में भी मदद करते हैं। ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होती है इसमें, इसलिए ये हमारे ब्लड डायबिटीज को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसमें काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए और विटामिन सी काफी ज्यादा होते हैं, तो हमारे आई हेल्थ को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट एंड हाउ डू आई मेक इट। तोरी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तुरई ले लिया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्ज गॉर्ड। टू पोटैटोस, ये हमारे दो बॉइल्ड आलू है, आप इसको कच्चे आलू भी ले सकते हैं। दो टमाटर, वन अनियन, थ्री ग्रीन चिलीज, वन इंच जिंजर या अदरक लिया है, फोर टू फाइव गार्लिक या लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज ट्यूमरिक, सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला एंड दिस इज माय शेजवान मसाला। ये शेजवान मसाला जो मैंने घर पे प्रिपेयर कर लिया है, इसका वीडियो आप जरूर देख लें। एंड फॉर कुकिंग ऑयल, मैं ऑलिव ऑयल का यूज करूंगी। आप जो भी यूज करते हैं घर पे कुकिंग ऑयल, यू कैन यूज इट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। टू पील ऑफ, इसको छील लीजिए तुरई को और छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे हम। अब तुरई कट गई है, अब हम इसके लिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। चौथे चिलीज, हाफ इंच ऑफ जिंजर, तो टमाटो दो है। ऑलवेज द प्रोपोर्शन ऑफ टमाटो हैज टू बी डबल देन द अनियन। व्हेन वी आर मेकिंग ग्रेवी वी हैव टू कीप इन माइंड। दिस ऑल्सो गोज इन। नाउ आई ग्राइंड इट इन द मिक्सी एंड मेक अ नाइस पेस्ट। यस, टू टू थ्री स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ इसमें जो मैंने पेस्ट बनाया है अभी मसाला, वो ऐड कर देंगे। इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे, दिस इज ट्यूमरिक। अब एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। नाउ गरम मसाला इज गॉन इन, सॉल्ट टू टेस्ट। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। जस्ट हाफ टी स्पून ऑफ दिस शेजवान मसाला विच आई हैव प्रिपेयर्ड इट। Kindly see my earlier video. If you do not have shejwan masala, doesn't matter. Now I'll add the tori or sponge gourd. Now adding the water. बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ सब्जी को ढकने तक ही करना है। Now my potato goes in. आप कच्चे आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे टुकड़े कीजिए, क्योंकि मैं आलू को मैश करके भी डालती हूँ, इसलिए मैंने इसको बॉईल किया है। नाउ लेट इट बॉईल फॉर एटलीस्ट 10 टू 12 मिनट्स टिल द वेजिटेबल इज कुक्ड नाइसली एंड द वाटर हैज रिड्यूस्ड। अब इसको उबलने देंगे हम 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम में उबालेंगे, तो और उसके बाद मीडियम फ्लेम कर देंगे। एक बार बॉईल आ जाएगा तो मीडियम टू हाई फ्लेम, वंस यू स्टार्ट बॉइलिंग मीडियम टू हाई फ्लेम विल डू इट एंड देन विल सी टू इट दैट द वेजिटेबल इज कुक्ड नाइसली एंड द ग्रेवी इज ऑल्सो थिकन अ बिट। नाउ द वेजिटेबल इज बॉइलिंग नाइसली, सो आई कवर इट अप। अब आप इसको कवर की करके मीडियम हीट में, वाह देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। नाउ द वेजिटेबल इज कुक्ड नाइसली, आई स्विच ऑफ द गैस। नाउ गार्निश इट विथ कोरिएंडर, ये हरी धनिया से इसको गार्निश कर देते हैं। बस ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं।